स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी 3.0 पे। तो दोस्तों एक बड़ी भर्ती SSC में आने वाली है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसी साल 73,333 पदों पर भर्ती करेगा कर्मचारी चयन आयोग। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी और डी की पदों पर होगी भर्ती। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बड़ी जानकारी देने वाले हैं और ये जो पेपर कटिंग है ये अभी तेज़ी से वायरल हो रहा है और SSC GD जो 10वीं पास बच्चे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उसमें कितनी भर्ती आने वाली है, किस किस फोर्सों में भर्ती आने वाली है, BSF में कितनी भर्ती रहेगी, CRPF में कितनी भर्ती रहेगी, CISF में कितनी भर्ती रहेगी, SSB में कितनी भर्ती रहेगी, ये सारी जानकारी आज हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या CRPF में भी भर्ती आएगी या नहीं? तो चलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कर्मचारी चयन आयोग 2022 में 73,333 युवाओं को नौकरी देगा और इस पर सरकार ने तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है ये कब अप टू डेट किया, तो ये देखिए ये 12 अक्टूबर को, देखिए दोस्तों यहाँ पर डेट भी दिया गया है। आप लोग कंप्लीट देखिए, हम आप लोगों को बताएंगे कि किस किस में भर्ती आने वाली है। देखिए 12 अक्टूबर 2022 को 9:57 AM में इसको अप टू डेट किया गया। कर्मचारी चयन आयोग SSC अपने भर्ती कैलेंडर 2022 में 73,333 युवाओं को नौकरी देगा, समझ गए। ग्रुप सी और डी देखिए 28,825 पद जो है ये SSC GD के लिए गृह मंत्रालय ने अधीन विभिन्न विभागों में दी और दिल्ली पुलिस के लिए 7,550 पदों पर भर्ती होगी। देखिए दिल्ली पुलिस के लिए 7,550 पदों पर भर्ती होगी। अब चलते यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए सारी जानकारी दिया गया है। और दोस्तों इसमें जो पिछले बार UP और बिहार के युवा SSC GD 2021 में 23 लाख उम्मीदवार UP और बिहार से थे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और देखिए दोस्तों प्रमुख भर्तियाँ किस किस में होगी भर्ती, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सारी चीज़। 24,650 कांस्टेबल GD जिसमें BSF, CISF, असम राइफल्स, ITBP, समझ गए। और आप लोगों को SSB और CRPF के बारे में हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि CRPF का रूल कुछ चेंज हुआ है, तो CRPF के बारे में अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है। तो इस बार SSC GD में केवल 24,625 भर्ती ही आ रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कम CGL में, इसके बाद 6,433 कांस्टेबल जो दिल्ली पुलिस के लिए भर्ती है, फिर MTS के लिए देख लीजिए 4,682, 4,300 सब इंस्पेक्टर सेंट्रल पुलिस। अब देखिए दोस्तों नीचे देखते हैं 2,960 कंबायर हायर सेकेंडरी के लिए भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए SSC एक बड़ी भर्ती का आयोजन कर रही है, सभी स्टूडेंट तैयार रहिएगा। हम आप लोगों को बताते हैं कि SSC GD में कौन कौन बच्चे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट को, फीमेल 157 हाइट होना चाहिए और आप लोगों को 10वीं पास होना चाहिए, वही बच्चे कांस्टेबल GD में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बड़ी भर्ती जो 73,333 भर्ती आने वाली है, तो आप लोग तैयार रहिए। जैसे ही SSC के वेबसाइट पर बारी बारी नोटिफिकेशन इसका जारी होगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा SSC GD का, इसके बाद आएगा दिल्ली पुलिस का, तो आप लोग तैयार रहिएगा SSC GD दिल्ली पुलिस CGL में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।